जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं, कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। यदि आप कमजोर दिल के हैं तो ये कहानी अकेले ना सुने। कहा जाता है कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां आप दुनिया से बहुत परे चले जाते हैं और जहां दुनिया का कोई नियम लागू नहीं होता। अमित शेखावत जो एक मशहूर साइंटिस्ट थे, वो जैसलमेर अपनी छुट्टियां बिताने आए थे। अमेरिका में लगभग 10 सालों से रह रहे शेखावत आज अपने दोस्तों के साथ फिर से अपने पुराने दिन जी लेना चाहते थे। उनके मित्र सुदीप सिंह और पुनीत भगत भी इंग्लैंड से आए थे। तीनों ही गांव की एक सबसे पुरानी हवेली रायगढ़ में रुके थे, जो लगभग 100 साल पुरानी थी। देर रात बातों बातों में जब सुदीप ने पुनीत से पूछा, सुना है इस गांव में एक ऐसा हिस्सा है जहां कोई नहीं जाता, और कहा जाता है जो गया वो वापस आया तो वो वैसा नहीं था जैसा वो पहले था। मतलब, पुनीत ने पूछा, मतलब ये कि सुना है वो या तो सब कुछ भूल चुका होता है या फिर पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। अमित ने तुरंत कहा, हाँ, ये अफवाह बस तुम जैसे लोगों के लिए बनी है। आज साइंस तरक्की कर रहा है और तुम दोनों वही अंधविश्वासों में जी रहे हो। चलें क्या, अधिक कराएं, बहुत मजा आएगा, सुदीप ने कहा। अरे भैया, मेरी भी कोई राय लेगा, पुनीत ने कहा। अरे यार चलना, बहुत मजा आएगा, जरा हम ही तो देखें ऐसा क्या है वहां जो इतना बड़ा हुआ बना रखा है, अमित ने जोर देते हुए कहा। इतना कह तीनों अपना टॉर्च लिए बाहर निकलने लगे। तभी गेट के दरबान सुरलभ ने उनसे पूछा, सर आप लोग इतनी रात कहाँ जा रहे हैं, ये एरिया रात को सेफ नहीं है। अरे भाई बस उस जंगल तक जा रहे हैं, बस थोड़ी देर में आ जाएंगे, अमित ने कहा। दरबान ने तुरंत कहा, सर वहाँ कोई नहीं जाता, आप वहाँ मत जाइए। तभी अमित ने हंसते हुए कहा, अरे भाई मैं एक साइंटिस्ट हूँ और तुम लोगों के इस अंधविश्वास को आज मैं हटा कर ही मानूंगा। कई बार मना करने के बाद भी जब वो नहीं माने तो दरबान ने कहा, सर जब आप जा ही रहे हैं तो मेरी एक बात याद रखिएगा, आप बस अपने पाँव की तरफ मत देखिएगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। हाँ ठीक है, अमित ने हंसते हुए कहा। लगभग 20 मिनट के बाद वो तीनों उस जंगल के बाहर पहुंच गए। अमित ने तुरंत गाड़ी एक तरफ लगा ली। अभी गाड़ी की हेडलाइट को बंद करते तभी उन्हें वहाँ एक बोर्ड पर लिखे शब्दों ने कुछ पल के लिए स्तब्ध कर दिया। यहाँ कोई नहीं आता, लौट जाओ। भाई मेरी मानो तो वापस चलते हैं, पुनीत ने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे यार एक काम करते हैं, पुनीत तुम यहीं गाड़ी में रुको, मैं और सुदीप बस यूं गए और यूं आए, देख तो लें आखिर यहाँ कोई क्यों नहीं आता। इतना कह अमित और सुदीप दोनों जंगल की ओर चल दिए। जंगल देखने में डरावना तो था, चारों तरफ अजीब से पेड़ थे जिसके तने मुड़ी हुई रस्सियों की तरह दिख रहे थे और उनमें एक अजीब सी महक भी आ रही थी। ऐसे पेड़ ना तो अमित ने कभी देखे थे और ना ही सुदीप ने। ये जंगल इतना घना था कि बस इतनी ही जगह बाकी थी कि वो दोनों उस रास्ते पर चल सकें। अभी वो 1 किलोमीटर अंदर ही आए होंगे कि सुदीप ने धीरे से अमित का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी दाईं तरफ कोई दिख रहा है? अमित ने जैसे अपना टॉर्च उस ओर किया, दोनों की मानो चीख से निकल गई। उनके सामने पत्तों के बीच से सुर्ख लाल आंखें उनकी ओर निहार रही थी। दोनों ने अपनी आंखों को जल्दी से मला, कहीं हमारा वहम तो नहीं। पर जब उन्होंने दोबारा ध्यान से उस ओर देखा तो उन्हें एक आदमी पेड़ से उल्टा लटका दिखा, जिसके दोनों हाथ उसी के शरीर से लिपटे हुए थे और उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। दोनों समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। अभी दोनों पलट वापस आने को तैयार हो रहे थे कि पीछे का रास्ता उन्हें दिख ही नहीं रहा था। वो रास्ता मानो एकदम से गायब हो गया हो। कुछ अजीब सा शोर भी उन्हें घेरने लगा। आनन फानन में दोनों इधर उधर दौड़ने लगे। कभी उन्हें कोई तालाब दिखता जिसमें कोई डूब रहा हो तो कभी उन्हें खुद के शरीर पर ही कई सारी चींटियां दिखने लगी। जाने कितनी ही दूर वो दोनों चिल्लाते भागते रहे पर उनकी यह चीख किसी तक न पहुंची। लगभग 4 घंटे इंतजार करने के बाद पुनीत तुरंत हवेली पर आ गया और सारी बात वहां के लोगों को बता दी। जब सबको लेकर पुनीत वापस जंगल के बाहर पहुंचा तो अमित और सुदीप को देख दंग रह गया। अमित अपने दोनों हाथों से जमीन खोदने में लगा हुआ था और कह रहा था, यही मेरी लाश है, यही मेरी लाश है। वहीं सुदीप बार बार चिल्ला रहा था, मैं चल नहीं पा रहा, मेरे पैर कट चुके हैं, मेरी मदद करो। वहां खड़े सभी लोग यह नजारा देख अंदर तक दहल गए। तभी वहां के एक व्यक्ति ने पुनीत को कहा, वहां कोई नहीं जाता और जो जाता है वापस वैसे नहीं आता।
पुनीत ने किसी तरह उन दोनों को दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती कराया, पर आज तक न तो डॉक्टर्स कुछ पता लगा पाए और ना ही वो दोनों कुछ बता पाए। दोनों पैर ठीक होने के बावजूद सुदीप आज भी व्हील चेयर पर चलता है, क्योंकि उसे यकीन नहीं होता कि वो चल सकता है। और अमित, वो तो हर रोज वही दोहराता है, मैं मर चुका हूँ, मुझे ज़मीन खोदनी है, मेरी लाश मुझे निकालनी है। जब 3 महीने इसी तरह बीत गए तो आखिर पुनीत ने एक दिन डिटेक्टिव बूमरा को फ़ोन लगा ही लिया। जानिए जंगल का रहस्य अगले एपिसोड में, जब डिटेक्टिव बूमरा खुद इस जंगल की असलियत सबके सामने लाएंगे। सुनते रहिए कहानियाँ कहानीकार सुधांशु राय के साथ।